दोस्तों, शादी या पार्टी में जाना है उससे पहले स्किन बहुत पैची सी लग रही है, बहुत कैकी सी लग रही है, स्किन पे खूबसूरती और चमक दूर दूर तक दिख नहीं रही है, और इसके अलावा स्किन बहुत ही टैनिंग सी लग रही है, और इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत लूज लग रही है, पिगमेंटेशन, सन टैन और पिंपल एक्ने छोड़ गए हैं, बड़े बड़े दाग धब्बे, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर करेंगे। दो रेमेडीज आज की आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण होने वाली है, स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लेकर आएंगी और स्किन एकदम से चमक जाएगी। तो लाइव टेस्ट आप लोगों को दिखा रही हूं, तो चलिए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए पहले स्टेप को करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा चम्मच तिलों का पाउडर। लोहड़ी के दिनों में जो तिल व्हाइट कलर के तिल होते हैं वो यूज़ होते हैं, हमने उनका पाउडर बना लिया है। जो इसमें से तेल निकलता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ करने में बहुत हेल्प करता है और हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, यंग बनाने के लिए, स्किन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है जो तेल इसके अंदर से निकलता है। तो अब जो सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ इसके अंदर वो है एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा जेल स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्टन करने में हेल्प करती है, तो इसके अंदर मैं नियर अबाउट आधा चम्मच ही एलोवेरा जेल डालूंगी। तो ये देखिए, आधा चम्मच एलोवेरा जेल मैंने डालना है, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, दैट्स इट। बस यही चीज़ जो है हमें अपने फेस पे अप्लाई करनी है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और ये पहला तरीका बनाना भी बहुत आसान है। और इसके और क्या क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। खैर, अभी आपको क्या करना है, इसे बना लेना है इस तरह से, दोनों चीज़ें ही मिल जाएंगी आपको आपके घर पे, तो इसे ज़रूर बनाइए। दूसरे मेथड के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिया है काउलिन क्ले। आप देख सकते हैं, काउलिन क्ले वैसे भी मेरी बहुत फेवरेट है, और गर्मियां हैं, स्किन को टाइट भी करना है, स्किन पे ग्लो भी चाहिए, स्किन को गोरा भी करना है, तो उसके लिए हमें काउलिन क्ले लेनी बेहद ज़रूरी है। सो दूसरा इंग्रेडिएंट आ जाता है रोज़ पेटल पाउडर। रोज़ पेटल पाउडर भी हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये चाहिए होंगे तो नीचे लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर क्लिक करके भी इन्हें खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है काउलिन क्ले, और दूसरा मेरा आधा चम्मच रहा है यहाँ पे रोज़ पेटल पाउडर। आधा चम्मच काउलिन क्ले है, आधा चम्मच रोज़ पेटल पाउडर है, तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट है, तीसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों, आधा चम्मच मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर हमारी स्किन को टाइट एंड ब्राइट करने में हेल्प करता है, स्किन को निखारता है, स्किन को यंग बनाता है, क्योंकि मुलेठी पाउडर के अंदर सभी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को यंग रखने में हमारी हेल्प करती हैं, झाइयों को दूर करती हैं, स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे काले पीले नीले दाग आपके पड़ गए हैं ना, तो उन्हें रिमूव करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। अब गुलाब जल यानी कि गुलाब भैया की मदद से हमने इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, ये चेहरे पे लगाने वाली दूसरी दवाई यानी कि दूसरा नुस्खा, दूसरा हैक भी हमारा तैयार हो चुका है, तो अब हमें इससे अपनी स्किन पर बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, जो हमें चाहिए गर्मियों के अंदर, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी ना, तो ये दो नुस्खों से आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमने जो नुस्खा ट्राई करना है, जो सबसे पहले हमने बनाया है दिस वन, आपने इसका यूज़ करना है, उसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने इस पैक को अपने चेहरे पर लगाना है। ये दोनों नुस्खे गर्मियों में चेहरे पर बहुत अच्छा खासा ग्लो लेकर आने के लिए आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए, अब हम दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने जो चीज अप्लाई कर रही हूं वो तिलों की और एलोवेरा से जो मैंने सबसे पहले पैक बनाया था उसकी अपने चेहरे पर धीरे धीरे करके स्क्रबिंग कर रही हूं। आपने भी इसे इसी तरह से स्क्रब करना है। अभी मेरे स्क्रीन जो है, जो वीडियो है वो थोड़ी फास्ट की हुई है, आपने आराम से और धीरे धीरे करना। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी त्वचा की देखभाल नहीं कर पाते, और हमारी खूबसूरती जो है वो धूप की किरणों से हमारी त्वचा जो काली हो जाती है उसके नीचे छिप जाती है। हम अपनी उस छुपी हुई त्वचा को किस तरह से बाहर निकालेंगे वो आपको बताऊंगी। और आप एक्सरसाइज देख रहे हैं ना, ये नक्कल्स की मदद से आपने सर्कुलर मोशन में स्किन पर मसाज भी करनी है, इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है और स्किन बहुत लाजवाब बनती है और स्किन पे बहुत अच्छा और गहरा ग्लो आता है। तो दोस्तों, इसे 5 मिनट रखें, उसके बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट जो पैक मैंने बनाया था वो मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी। अब दोस्तों, जैसे ओपन पोर्स मैंने क्लीन किए हैं, अच्छी तरह से वो क्लीन हो चुके हैं, डस्ट डर्ट पोल्यूशन सन टैन सब निकल गया है, तो अब मैं ये पैक की मदद से अपनी स्किन को टाइट करूंगी और एक परत अपने चेहरे पर लेकर आऊंगी जो मेरी स्किन को गोरा करने में, निखारने में, और मेरी जो स्किन नीचे छिप गई है सन टैन से उसे निकालने में हेल्प करेगी। तो आपके सामने ही मैंने इसे पैक को लगाया है, अब मैं इसे ड्राई होने दूंगी। जैसे कि आप देख चुके हैं, अच्छी तरह से ये ड्राई हो गया है। गीला करके इसे सर्कुलर मोशन में दोबारा से फिर से मसाज कीजिए, मसाज करते करते इसे धो लीजिए, और अब आप देख सकते हैं स्किन कितनी निखर गई है, कितनी अच्छी लग रही है।
तो आपको भी बस इसी तरह से करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इसका इस्तेमाल करना है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। 15 साल के बाद लड़के लड़कियां आंटी अंकल सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। झुर्रियों को, दाग धब्बों को दूर करने में, पिंपल्स एक्ने को रिमूव करने में ये रेमेडी बहुत लाजवाब है। इसका इस्तेमाल करें, आपको जो रिजल्ट मिलता है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो भी नीचे बताइएगा। सो एवरीबॉडी, कैसा लगा DIY, कैसे लगी रेमेडी? अगर आपको दोनों DIY पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट भी कर दें। और नेक्स्ट आपको कैसा वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक आने वाला वीडियो जो पैरों के लिए है, बहुत अच्छा पैडी केयर, उसे देखना मत भूलिएगा। बहुत जबरदस्त वीडियो है, लाजवाब है, बहुत अच्छी, और यू नो मैंने नए कैमरे के साथ उसे बनाया है। आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। खैर अभी मैं चलती हूँ, और अगर वीडियो पसंद आया है, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो जरूर नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो पाए। तो मिलूंगी नई DIY नई रेमेडी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।